फ्रेंड्स लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन को क्लिक कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज निक एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन जॉब न्यूज। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल में। आज भी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वैकेंसीज आई हुई है। उसके पहले गाइज, अभी तक के आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हो तो। बाकी तो आप सब लोग जानते ही है। सो गाइज, ऑनलाइन जॉब न्यूज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री में जॉब प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ आपको ऑनगोइंग वैकेंसीज के बारे में गाइज मैं आपको बताता हूँ। ये जितने भी वैकेंसीज के बारे में गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ वो ऑनगोइंग वैकेंसीज होती है, मतलब विद इन 7 डेज के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना होता है। गाइज, ये जो वैकेंसीज के बारे में जो मैं वीडियो में बताता हूँ वो 100% जेन्युइन होती है, 100% प्रैक्टिकली होती है और 100% फ्री होती है। सो गाइज, ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया था कि एक ईजी वे टू अप्लाई हो सके। मेरा मोटो ही ये था, ऑनलाइन जॉब न्यूज चैनल का मोटो ही ये था कि एक ईजी वे टू अप्लाई हो सके, ताकि आप घर बैठे आसानी से जॉब पा सको। तो गाइज, आप किसी भी एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जस्ट लाइक आप 8th पास स्टूडेंट हो, 10th पास स्टूडेंट हो, या फिर आपने किसी भी फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन की हो, इन सभी के लिए अपने वीडियो में जॉब्स होते हैं। चाहे आप फ्रेशर्स कैंडिडेट, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया के जॉब्स के बारे में गाइज मैं बताता हूँ। स्पेशली वो जो महाराष्ट्र और विदर्भ के कैंडिडेट होंगे उनके लिए तो वैकेंसीज मैं बताते ही रहता हूँ। सो गाइज, वीडियो में बताया गया है किसी भी जॉब के बारे में आपको किसी को भी फीस पेड नहीं करनी है, ना कि अपना कोई कंसल्टेंसी है और ना ही किसी से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं एक हेल्थ तौर पर चैनल चालू किया था और ना ही आपको किसी चीज़ के जॉब पाने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइज, बिकॉज जो भी जॉब्स के बारे में मैं बताता हूँ वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से लिया जाता है। तो गाइज, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आज का जो गाइज अपना स्पेशल वीडियो होने वाला है वो होने वाला है पुणे, नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से जितने भी कैंडिडेट्स बिलोंग करते हैं या और नागपुर से, सांगली से, तो उनके लिए गाइज ये जॉब है। जैसा कि आप थंबनेल में भी देख सकते हो, मैंने डाल दिया है विदर्भ जॉब्स। तो ये विदर्भ स्पेशल के लिए है, लेकिन ये नागपुर के साथ साथ अपन पुणे, नासिक, कोल्हापुर, इन सभी जगह से वैकेंसीज देखेंगे। ये May 2nd week की वैकेंसीज है। जैसा अभी लगभग सभी जगह पैंडेमिक के कारण लॉकडाउन तो चालू है, बट आफ्टर लॉकडाउन आपको अगर आप आज अप्लाई करते हो तो आपको विद इन वीक में गाइज, अगर मेरे चैनल से जुड़े हो, विद इन 1 month में आपको 100% जॉब लग जाएगी, ये मेरी गारंटी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, आज की जो अपनी फर्स्ट वैकेंसी आ रही है गाइज, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा पहले बता दूं कि अभी जो मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, तो आज मदर्स डे है, तो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ योर मॉम्स। सो गाइज, आपको जब भी कोई भी जोन की अगर वैकेंसी सर्च करना है तो आपको हैशटैग ऑनलाइन जॉब न्यूज सर्च करना है, ताकि आप इजीली ये ऑनगोइंग वैकेंसीज के बारे में वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको इजी हो जाए मिलने में। जो गाइज फर्स्ट वैकेंसी आ रही है, ये आ रही है नागपुर जोन से। सो गाइज, यहाँ पे स्नेहल फार्मा एंड सर्जिकल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसीज आई है। जैसा गाइज यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे हैशटैग दिया है #ऑनलाइन नागपुर जॉब्स, या फिर आप #NIC jobs करके भी सर्च कर सकते हो। तो गाइज, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है जो 19/1/2015 सर्टिफाइड फार्मा कंपनी है विद 5-star इंडस्ट्री के गुट्टीपुरी में है। तो अगर आप डिजिग्नेशन आपका, अगर आपने BA, BSc, BCom किया है तो आपको स्टोर इंचार्ज के लिए अप्लाई करना है, तो आपको 3-5 years का अगर एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे परचेस के लिए असिस्टेंट इंजीनियरिंग इनके लिए, साथ ही साथ मार्केटिंग के लिए, साथ ही साथ क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए फार्मासिस्ट की यहाँ पे ज़रूरत है। तो वैसे आपने अगर मार्केटिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपने D.Pharm, BSc और B.Com किया हुआ है
तो आप अप्लाई कर सकते हो। आप लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है, लेकिन आप फ्रेशर स्टूडेंट भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस अगर फार्मासिस्ट के लिए आपको बी फॉर्म एम फॉर्म 2 इयर्स 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, तो गाइस आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो, आपको करना क्या है, आपको जो रिज्यूम होता है गाइस सीवी, वो आपको hrsnehalpharma@gmail.com पे आपको भेज देना है, या फिर आप इस नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी अपनी आ रही है वो भी आ रही है नागपुर से। तो गाइस ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से है। सो ये जो वैकेंसी है ये डॉक्टर्स के लिए है, जो टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे इनको अपॉइंट किया जाएगा। तो इनको जो गाइस ये अपॉइंट किया जाएगा, ये महारत्न के लिए है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ पे 33 पोस्ट है, आप देख सकते हो, GDMO मेडिकल स्पेशलिस्ट इन WCL ऑन टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। अगर आपको इसमें के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो गाइस आपको क्या करना क्या है, आपको आपकी जो एज है, पोस्ट कौन सी पोस्ट है, यहाँ पे जो जितनी भी आपको इस बारे में अगर और भी डिटेल्स में नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको करने ये वेबसाइट याद दी हुई है, आपको वेस्टर्न कोलफील्ड रिक्रूटमेंट में जाके आपको पता करना है। सो गाइस ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, इनकी जो ओपनिंग डेट है वो है 1/5 से लेकर 2021, और क्लोजिंग डेट है मतलब आपका 1 तारीख से अप्लीकेशन चालू हो जाएगा और 15 तारीख के पहले पहले आपको अप्लाई करना है। अगर आप आपको किसी भी चीज की अगर कोई डिफिकल्टी आती है, कोई क्वेरीज है, तो आपको यह नंबर पे भी कॉल करके पूछ सकते हो, या फिर आप अपना रिज्यूम hrrecruitment@colindia.in पे आप भेज सकते हो विद इन वर्किंग डेज के अंदर, मीन्स आपको 15 तारीख के पहले पहले आपका रिज्यूम इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देना है, जो कि 10 बजे से 5 बजे के पहले इन वर्किंग डेज में। जस्ट लाइक गाइस आप सैटरडे संडे को मत अप्लाई कीजिए, आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक के सुबह 10 बजे से 5 बजे के अंदर ही रिज्यूम भेजिए। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो अभी आ रही है गाइस, नागपुर की काफी सारी वैकेंसीज हैं, लेकिन इस जो वैकेंसीज के बारे में गाइस मैं ये आपको लास्ट में बताऊंगा वीडियो के, क्योंकि ये पेपर से ली हुई है तो मैं इन पे बिलीव नहीं करता। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनको सच में जरूरत है, तो लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो वर्धा की तरफ से आ रही है, जैसा आप देख सकते हो #onlinejobwardha आप करके सर्च कर सकते हो, या फिर #newjob करके भी सर्च कर सकते हो। तो ये SSB हॉस्पिटल RV से है गाइस, यहाँ पे वैकेंसी आई है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ नंबर ऑफ 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैकेंसी है, जैसा फिजिशियन, रेडियोलॉजी, ऑर्थोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, RMO, डेंटिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स, गार्ड और क्लीनर। तो इनमें यहाँ पे इनकी जो रिक्वायरमेंट दी हुई है, आप क्वालिफिकेशन अगर आप इसमें फिट बैठते हो, जस्ट लाइक अपने जैसा आपको स्टाफ नर्स के लिए अगर अप्लाई करना है, अपने GNM ANM में आपका डिप्लोमा हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। गार्ड और क्लीनर के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, और अगर आप फिजिशियन के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो तो MD DNBFC यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो गाइस आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं, यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, डॉक्टर साहिल करके, अशोक शिंदे करके, ये दोनों नंबर्स पे कॉल करके आप इनको पूछ सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं SSB हॉस्पिटल मेन रोड गांधी स्क्वायर RV डिस्ट्रिक्ट वर्धा। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो आपके लिए 5th नंबर की वैकेंसी, ये आती है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। सो गाइस ये मुंबई से आती है, ये गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। तो गाइस यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है, यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट है, लेकिन ये गाइस राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RF मतलब एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है उसके लिए है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे अजा मीन्स जो कैटेगरी वाइज लोग होते हैं, और नॉन कैटेगराइज इनके आपका जो पेमेंट होगा गाइस इसके लिए आपको 70,000 से लेके आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लाख तक के का पैकेज है। तो गाइस आपको 2 लाख के पैकेज है, इसमें आपको 14-15 हज़ार आराम से मिल जाएंगे। आप देख सकते हो आपको स्कूल अगर अप्लाई करना है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, तो ऑनलाइन अप्लाई करने की जो डेट है इनकी 3 तारीख से गाइस यहाँ पे 3 तारीख से आपको आपका अप्लीकेशन चालू हो जाएगा, और लास्ट डेट इसको अप्लाई करने की 27 है, आप देख सकते हो।
और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट रहेंगे गाइस, उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको इस बारे में और भी अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो गाइस, इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो अपनी आज की 6 नंबर की वैकेंसी, ये है राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जिला रुग्णालय हिंगोली से। तो अगर आप औरंगाबाद से अगर रिलेटेड हो, औरंगाबाद के आसपास में रहते हो, या फिर आप हिंगोली से, हिंगोली जिले से आप बिलोंग करते हो, तो गाइस यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट निकली है, जैसे ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट पाइपलाइन टेक्नीशियन और इलेक्ट्रिशियन। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है गाइस। इसके लिए अगर ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर के लिए आपको डिग्री डिप्लोमा मांगा है इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन में, आप देख सकते हो। ऑक्सीजन प्लांट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे आईटीआई इन फिटर, आईटीआई वेल्डर के लिए इन्होंने मांगा है, और टेक्नीशियन के लिए आईटी इन इलेक्ट्रिकल मांगा है। तो गाइस आप देख सकते हो, एज पर मंथ के हिसाब से आपकी जो सैलरी रहेगी वो 30,000 है, 70,000। 70,000 एक अच्छा खासा मौका है जो हिंगोली से आसपास से बिलोंग करते हैं या फिर औरंगाबाद से। तो आपको अगर अप्लाई करना है तो आपको करना है क्या है गाइस, यहाँ पे वेबसाइट भी दी हुई है stphingoli.nic, यहाँ पे आपको जाना है। और यह जाने के बाद करियर सेक्शन में आपको अपना अप्लाई कर देना है विद इन, मतलब 10 10 तारीख से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। तो गाइस अगर 10 तारीख के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो इसको आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट की जाएगी। 10 के पहले पहले आपको साथ ही आपके क्वालिफिकेशन के साथ साथ के भी डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच करके ही आपको भेज देना है। सो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है ये आ रही है अकुला से गाइस। जैसा आप देख सकते हो #onlineakula और या फिर आप #nickjob करके भी सर्च कर सकते हो। तो गाइस ये है ज्योति जनोड़कर कनिष्ठ महाविद्यालय की तरफ से। तो गाइज ये एक कॉलेज है, तो आपको ये कॉलेज में अगर आप टीचिंग से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे फैकल्टीज इनकी दी हुई है, साइंस फैकल्टी और MCBC सेक्शन के लिए यहाँ पे लेक्चरर्स की आपको इनको जरूरत है। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एज कोविड को मद्देनजर देखते हुए, जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी कोविड का चालू है, तो कुछ आपकी टेस्ट ना लेते हुए, ना कुछ इंटरव्यू लेते हुए, डायरेक्ट आपको एक्सपीरियंस बेस पे आपको ये लोग जॉब दे रहे हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो विद इन 15 तारीख के पहले पहले आप लोग को तो अप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट देख सकते हो आप। यहाँ पे साइंस सेक्शन के लिए 10 तरह के पोस्ट है, जैसा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, इंग्लिश, आपके जिस भी सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है आप पढ़ा सकते हो। जैसा आप देख सकते हो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है, सभी सब्जेक्ट में आपको MSc खाली लेक्चर, इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने MA मांगा है, MA में BEd मांगा है, या फिर अकाउंटेंट सेक्शन के लिए MCOM और BEd मांगा है, बाकी सबके लिए MSc विद इन सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट भी दी हुई है आप देख सकते हो। और जो सेकंड सेक्शन है MCVC सेक्शन के लिए, तो यहाँ पे भी लेक्चरर्स के लिए जैसा इंग्लिश, मराठी, GF और फिजिक्स एजुकेशन के लिए, तो इन्होंने भी जैसा मराठी के लिए MA मांगा है, या फिर आप BEd MA भी चलेगा। तो GFC के लिए इन्होंने MCOM BEd मांगा है, और फिजिक्स एजुकेशन के लिए MA MCOM और BPED मांगा है। गाइस अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो या फिर आप बैकवर्ड कैसेस से भी बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आपको करना क्या है, आपको इन सभी पोस्ट में से किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो या इंटरेस्टेड हो तो आपको आपके रिज्यूम के साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स अटैच करके आपको क्या करना क्या है, आपको यहाँ भेज देना है। ये है कपिल वस्तु नगर, विजय कॉलोनी मागे, गोरक्षण मार्ग, अकोला, 444004। इस एड्रेस पे आपको गाइस भेज देना है विद इन 15 तारीख के पहले पहले आपको भेज देना है, या फिर आप इस नंबर पर भी कॉल करके पूछ सकते हो। तो गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है वो अपनी कोल्हापुर से आ रही है। गाइज आप #कोल्हापुर करके भी सर्च कर सकते हो या फिर NickJob करके भी। तो गाइज ये जो बैंकिंग सेक्टर के जॉब है गाइज, ये ग्रोवर्स इंडिया अर्बन निधि LTD प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से गाइज कोल्हापुर से ये जॉब है। तो आप देख सकते हो ये बैंकिंग सेक्टर्स के लिए गाइस यहाँ पे वैकेंसीज निकली हुई है। जैसा सहायक व्यवस्थापक के लिए आप F1 वैकेंसीज है, मीन्स असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। आप यहाँ पे अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन इन्होंने बैंकिंग में फाइनेंस 2 to 5 years का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट है, जैसे कैशियर के लिए
मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हो, या इनकी बीकॉम अगर एमकॉम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। क्लर्क के लिए भी यहाँ पे 3 पोस्ट है, आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे सिपाही के लिए 1 पोस्ट है, जो जिन्होंने बैंकिंग के सेक्टर में 1 to 2 years का एक्सपीरियंस हो, या फिर आपके पास किसी भी क्वालिफिकेशन की डिग्री हो, या फिर आप 12th पास भी हो तो अप्लाई कर सकते हो। फील्ड एसोसिएट के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट निकली हुई है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको 1 to 2 years का एक्सपीरियंस होगा, अगर आप कोई भी फील्ड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया होगा और आपने इंश्योरेंस सेक्टर में अगर काम किया है, तो आपको करना क्या है गाइस, इसी किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको वो groupusnidhi@gmail.com पे आपको अपना रिज्यूम मेल कर देना है, या फिर आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया है, ये व्हाट्सएप नंबर में भी आप कॉल करके पूछ सकते हो। तो गाइस आज की जो 9th नंबर की वैकेंसी ये आ रही है सोलापुर से, इसके लिए आप #onlinesolapurjob करके भी सर्च कर सकते हो। तो गाइस ये परचेस असिस्टेंट के लिए जॉब है गाइस, इसमें मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बता दूं कि फ्रेशर्स कैंडिडेट प्लीज इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, जो एक गुड लुकिंग है, जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर लिया है, जो जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन में पकड़ है अच्छी खासी, जो फ्लुएंसी जिनको इंग्लिश आती है, वही लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने साफ तौर पे यहाँ पे पहले ही बोल दिया फ्रेशर्स कैंडिडेट प्लीज डू नॉट अप्लाई। तो जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिनको 1 ईयर्स का 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वही कैंडिडेट अप्लाई करे। तो आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा गाइस, विद इन 7 डेज के अंदर अंदर, आज से जब मैं ये बता रहा हूँ, तो बालाजी अमीश लिमिटेड टावर्स ये यहाँ पे इनका एड्रेस है। आपको करना क्या है, आपका जो रिज्यूम होता है ये आपको मेल कर देना है hr@balaji.com पे। तो गाइस इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी आती है, ये आ रही है 10 नंबर की वैकेंसी, ये भी गाइस है सोलापुर से ही आ रही है। यहाँ पे देखिए वांटेड स्टाफ फॉर डिविजन लॉजिस्टिक के लिए। तो गाइस ये डिविजन लॉजिस्टिक में जगह निकली हुई है, ये सैदान नगर फेस चिंचोली MIDC अकोल कोटी से है गाइस। तो अगर आपने सैप ऑपरेटर अगर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस किया है तो यहाँ पे 3 पोस्ट है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर जॉब देख रहे हो, एमकॉम बीकॉम अगर आपने किया है तो यहाँ पे 2 पोस्ट है। और व्हीकल रिपेयर्स के लिए अगर आपने एनी डिग्री से पोस्ट किया है इसके, तो RTO रिलेटेड वर्क होगा गाइज इसमें, आप देख सकते हो। तो जो भी रिक्वायर मिनिमम 2 ईयर्स के लिए एक्सपीरियंस होगा, आपने किसी भी फील्ड में अगर अप्लाई करना चाहते हो, किसी भी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, आप अगर सोलापुर से हो या आप सोलापुर के आसपास से बिलोंग करते हो और सच में जॉब ढूंढ रहे हो, तो ये आपके लिए अच्छा मौका है। आपको करना क्या है, आपका जो रिज्यूम होता है digvijaylogistic.mis@gmail.com पे आपको भेज देना है। सो गाइस ये थी आज की आपकी लास्ट वैकेंसीज। सो गाइस रुको जरा, सबर करो, मैंने जैसा पहले अभी जो भी वैकेंसीज के बारे में मैं बताऊंगा, ये जो गाइस अभी मैं जो बताऊंगा ये बताऊंगा नागपुर के लिए। तो गाइस ये जो हो गए जितने भी पोस्ट हो गए अभी मैं बताऊंगा, ये नागपुर के लिए हो गए जैसा मैंने पहले बताया था। तो आप देख सकते हो ये पेपर्स के ऐड है, मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइवर की ज़रूरत है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो अर्जेंटली फार्मासिस्ट की ज़रूरत है जो खामला चौक पे, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसा आप वॉकिंग इंटरव्यू के लिए अगर जाते हो कोराडी रोड मेन नागपुर के लिए, तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे DMLT अगर लैब टेक्नीशियन की ज़रूरत है, तो आप ये नंबर पे कॉल करके जा सकते हो। यहाँ पे 4G मतलब आप टेलीफोन रिलेटेड अगर देख सकते हो, तो इस पर भी आप कॉल करके जा सकते हो। तो और एक यहाँ पे ऊपर में वैकेंसीज है, ये गाइस न्यू दिल्ली की वैकेंसीज है, जो सिक्योरिटी SNTB NMB कॉम्प्लेक्स में है। तो आप देख सकते हो ये भी मार्केटिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट इमिडिएटली। अब वो तो ये एड्रेस पे आप जाके भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पे और है फार्मासिस्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो डी फॉर्म अगर आपने किया है और आपको 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आपकी गुड कम्युनिकेशन है, तो आपको करना क्या है, इंटरव्यू टाइमिंग यहाँ पे इन्होंने दिया है 205 एग्रो लैब प्राइवेट लिमिटेड का एड्रेस यहाँ पे धंतोली दिया है गाइस। यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस इनका दिया है, और यहाँ पे कॉल करने के लिए व्हाट्सअप नंबर भी दिया है। साथ ही साथ आप देख सकते हो आप MNC की जो जॉब है, जो नागपुर मियान में रामटा स्टेडियम के हैबिटेट है, तो ये प्रॉपर्टी के बारे में है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, ये थी आज की अपनी सारी वैकेंसीज के बारे की इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है।
तो इसी तरह के नए नए जॉब्स अपडेट के लिए चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके जो रिलेटिव्स हैं, या जो भी एक जेन्युइन कैंडिडेट जिनको सब में जॉब की ज़रूरत है, आप उनको लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइस, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आप लिंक ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी भी पर्सन की हेल्प हो जाएगी। गाइस, मुझे पता है कि आप सबके पास क्वालिफिकेशन तो है लेकिन आपके पास जॉब नहीं है, तो मेरी तरफ से एक छोटी सी हेल्प ही है गाइस आप लोगों के लिए, जो जो भी गाइस जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण काफ़ी लोगों को पता नहीं लगता है कि एक सही डायरेक्शन में कहाँ पे आपको जॉब सर्च करना है या कहाँ जाना है, तो इसी के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया था गाइस। इज एक इजी वे टू अप्लाई ऑनलाइन जॉब न्यूज। इसी तरह के नए नए वैकेंसीज के बारे में आपको आगे भी मैं आपको बताते रहूँगा, अवेयर करते रहूँगा, और साथ ही साथ अपन आपको ऑनलाइन से गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब भी और भी एक्स्ट्रा चीज़ मैं आपको चैनल पे सिखाते रहूँगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फोकस। थैंक यू।